हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे अगर आपकी स्टोरी, आपको लगता है कि मेरी स्टोरी कोई चुपके से देखता है, मतलब सीक्रेटली देखता है मेरी स्टोरी, तो आप उसको कैसे पकड़ सकते हो या फिर उस देख सकते हो, जान सकते हो कि कौन देखता है मेरी स्टोरी सीक्रेटली, मतलब चुपके से देखता है और आपको वहाँ पे स्टोरी में व्यूज़ भी नहीं दिखाता, काउंट ही नहीं होता व्यूज़, और चुपके से देखता है, तो आप कैसे पता कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ आएगा, नहीं तो फिर आप मुझे बाद में कमेंट करते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, आप जिस पर भी आपको डाउट है कि वो मेरी स्टोरी को देख सकता है, हाई मतलब कि जिस पर आपको थोड़ा भी डाउट है कि वो मेरी स्टोरी सीक्रेटली देख सकता है, मतलब कि देखता होगा, जिस पर डाउट है आपको, अभी क्या करना है आपको, जहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और जहाँ पे आपको टाइप करना है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी टाइप करने के बाद आपको जिस पर डाउट है ना, आपको उससे जहाँ पे अपने क्लोज फ्रेंड में आ जाना, ठीक है, और जहाँ पे सर्च करना उसका अकाउंट। ठीक है, जिस पर डाउट है उसका अकाउंट जहाँ पे सर्च करना है, जैसे मैं जहाँ पे टाइप करता हूँ अपने फ्रेंड का अकाउंट, और उसके बाद जहाँ पे डन पे आपको क्लिक कर देना, सिलेक्ट करके डन पे क्लिक कर देना। ठीक है, और वो आपके क्लोज फ्रेंड में ऐड हो जाएगा, भले ही उसने आपको फॉलो किया हो या ना किया हो, आपकी इंस्टाग्राम की स्टोरी उसको, मतलब जैसे स्टोरी देखते हैं ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कोई भी स्टोरी आप जहाँ पे देखते हो तो ऑटोमेटिक अगली आती जाती है, अगली स्टोरी ऑटोमेटिक प्ले होती है, तो अगर ऐसे क्लोज फ्रेंड में आपके नहीं होगा तो वो स्टोरी वो आपकी चुपके से जब देखता है वो सर्च करके देखता है, और सर्च करते स्टोरी सीक्रेटली देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो होता है कि वो अपना डेटा को ऑफ करके देखता है। जो आपने स्टोरी पे अगर फोटो लगाया होगा तो वो फोटो बहुत ही आसानी से देख सकता है डेटा को ऑफ करके, लेकिन वो आपकी वीडियो को नहीं देख सकता, जो आपने अगर वीडियो डाली होगी, रील डाली होगी कोई, तो वो नहीं देख सकता डेटा ऑफ करके। सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है डेटा ऑफ करके और फ्लाइट मोड करके आपकी स्टोरी वो देख सकता है। आपको उसको जहाँ पे क्लोज फ्रेंड में ऐड कर देना है और जहाँ पे उसको हाइड कर देना, उससे स्टोरी उसका अकाउंट जहाँ पे सर्च करके हाइड कर देनी है उससे स्टोरी। ठीक है, अब हाइड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसका अकाउंट सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही वो एक्टिव होगा, जिस पर डाउट होगा आपको कि वो देख सकता है, जैसे ही वो एक्टिव होगा उसको, जब वो एक्टिव होगा तभी आपको क्या करना है, चुपके से जहाँ से उसके हाइड में से उसको रिमूव कर देना। ठीक है, हाइड में से उसको रिमूव कर देना, हटा देना है, ऑटोमेटिक आपकी जो स्टोरी होगी, भले ही उसने आपको फॉलो किया है या ना किया है, वो आपकी स्टोरी अगर देखता है ना, अगर आपने जहाँ क्लोज फ्रेंड में सेव किया होगा तो आपकी स्टोरी उसकी स्टोरी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, मतलब कि जब वो स्टोरी देख रहा होगा ऑटोमेटिक, जब वो आगे आगे प्ले करता है ऑटोमेटिक उसी में उसकी स्टोरी, आपकी स्टोरी आ जाएगी उसमें, तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, वो व्यूज़ आपके व्यूज़ में काउंट, आपकी स्टोरी में व्यू काउंट हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि उसने स्टोरी मेरी सीक्रेटली देखी है, भले वो आपका अकाउंट सर्च करके नहीं देखेगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा, स्टोरी में आ जाएगी आपकी स्टोरी, तो आप उसको बहुत ही आसानी से पकड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज किए, मैं 100% आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।